जानकारी वो भी छोड़ो, अभी बात करते हैं जियो के बारे में। अब जरूर सुनोगे आप जियो के बारे में, व्हाट्सएप में जरूर आ रहा होगा मैसेज, जियो मोबाइल मत लो, जियो मोबाइल ऐसा है, जियो मोबाइल वैसा है, जियो में ये खराबी है वो खराबी है, अंबानी ने तो लूट लिया 6000 रुपए लेके, इसने कर लिया वो कर लिया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। अरे भाई सुनो एक मेरी बात पहले, बाद में ये सब दुनियादारी के बारे में जानकारी जो मिली है उसको समझना, पहले बात में ये सुनो कि भाई आप कमाते हो रोज अपने पेट पूजा के लिए, अंबानी कमा रहा है अपने पेट पूजा के लिए, मानता हूँ उसके पास बहुत पैसा है, हमारे से ज्यादा है, दुनिया का क्या इंडिया का सबसे बड़ा आदमी है, दुनिया का तो नहीं है, पर लेकिन क्या है देखो उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो कमा कमा के आगे बढ़ चुका, हमारी किस्मत जहां तक की है हम उतना कमा रहे हैं, पर लेकिन कि भाई उसने जियो मोबाइल लॉन्च किया। अब जियो मोबाइल लॉन्च किया उसने कहा कि 1500 रुपये दो, 3 साल तक यूज करो और फिर मोबाइल का पैसा वापिस ले जाओ, अगर सही सलामत वापिस रहता है। उसने एक बहुत ही मिनिमम प्लान का प्राइस रखा जो कि 153 है, और उस प्लान के तहत में अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड रोमिंग, अनलिमिटेड नेट, अनलिमिटेड SMS, वो भी 300 तक, इस टाइप की चीजें थी। अब उसने 300 को क्यों रखा, क्योंकि जनरली कौन करता है इतने SMS, और मान लो करते भी हो तो पर डे के 300 है ना, ठीक है महीने का तो 300 है नहीं, कि जैसे पहले एयरटेल देता था कि 400 रुपये में 1GB 3G मिलेगा, उसके बाद आप नेट खत्म, चाहे वो 1GB एक दिन में खत्म करो, चाहे 1 घंटे में खत्म करो, चाहे वो 30 दिन की खत्म करो, उसकी वैलिडिटी होती थी 30 डेज, तो ये सब होता था। अब वो सब तो है नहीं, अब जो के चक्कर में प्राइस कम हो गए। अब एक दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, अगर आप 153 रुपीज में अगर आप पे करोगे 10 महीने तक तो आपके होंगे 1530 रुपए, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है जियो के वेबसाइट में उसमें एक ही चीज रिवील की गई है कि अगर आप 1500 तक का कोई रिचार्ज करवा लेते हो जियो सिम पे तो आपका मोबाइल 3 महीने बाद जो भी रेट है, जो भी हमने रेट लिया है 1500 रुपये, वो वापस कर दिया जाएगा। इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई है, जो मैं बोल रहा हूँ उसी टाइप की चीज़ें हैं, जो कह रहा हूँ उस टाइप की चीज़ें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि आप बोल रहे हो कि जियो का मोबाइल खराब है, खराब जियो का मोबाइल नहीं है, जियो का मोबाइल बहुत बढ़िया है, ठीक है, और जियो का प्लान भी बढ़िया है। रही बात पैसे की, तो ऐसा कुछ नहीं है 6000 रुपये वाला, हर कोई अपने पेट के लिए कमाता है। अगर आप मेरे पास कल आओगे बोलोगे कि भाई हमको ये सामान दे दे, अगर मैं नहीं दूं तो आप मेरे से लड़ तो सकते नहीं हो, क्योंकि भाई मेरे पास मेरा सामान है, मैं उसके पैसे लूंगा तब तो मैं दूंगा, पर लेकिन अगर मैं कुछ इन्फॉर्म कर दूं या कुछ ऐसा न्यूज़ निकाल दूं कि कल से मेरी दुकान पे जो भी सामान अवेलेबल है मोबाइल से रिलेटेड सब फ्री में मिलेगा, तो लोग मेरे दुकान पे आएंगे लेके जाएंगे। और इसमें ये भी चीज़ देखेंगे कि मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, कब से इन लोग का स्टॉक है, क्या है, सब चीज़ देख के लेके जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में आए और ले लिए, ऐसे बहुत सारे कस्टमर जियो के अभी बने नहीं है। वो क्यों नहीं बने, क्योंकि वो सोचते थे कि यार जियो का मोबाइल लेंगे तो काम करेगा, जियो का नेट लेंगे तो चलेगा, कि इनवैलिड है कि वैलिड है समझ में नहीं आ रहा है, और क्या पता फ्री में नेट देगा कि नहीं देगा, फ्री की सर्विस कौन देता है, तो इसलिए लोग सोच में पड़ गए। तो बहुत सारे कस्टमर जुड़े भी, बहुत सारे कस्टमर उसके चक्कर में आधार कार्ड भी बनाए, तो आधार कार्ड बना वो अच्छा काम हुआ। बहुत सारे कस्टमर नहीं भी जुड़े, नहीं बनवाया आधार कार्ड, बोले कौन बनाएगा आधार कार्ड, कौन लेगा, अनलिमिटेड नेट का 400 रुपये भी दिया, पर लेकिन जब जियो आगे आया तो सारी कंपनियों ने प्लान्स कम किए, रेट्स कम किए, तो अभी सब कंपनियों के रेट्स कम है जियो की वजह से, पर लेकिन किंतु परंतु बात क्यों जाती है, आप सब बोल रहे हो जियो का मोबाइल अच्छा नहीं है, मैं जियो को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कहने का ये मतलब है थोड़ा सा अपने ब्रेन को खोलो, दिमाग लगाना चालू करो। इंडिया में क्या है ना, पका पका सब चाहिए लोगों को, बस उसके बाद क्या है दिमाग लगाना नहीं, दिमाग के नाम पे जियो। अब भाई 1500 का मोबाइल ले लियो आप, पहले बात तो 1500 का मोबाइल लेने के बाद, अरे भाई जब आप 1500 का मोबाइल लेते हो उसके बाद आप रिचार्ज करवाओगे, ठीक है आप एप्पल का मोबाइल लेते हो, सोनी का मोबाइल लेते हो, नोकिया का मोबाइल लेते हो, तो आप लेने के बाद मोबाइल को रख लेते हो क्या जेब में, रिचार्ज तो करवाते होगे महीने में, मतलब कुछ ना कुछ तो करवाते होगे, जब जियो नहीं आया था
उससे पहले 400-500 का रिचार्ज करवाते होगे, फिर ऊपर से नेट भी देते होगे, पर लेकिन अब जब जियो आ गया है तो 3 3999 का करवाते होगे। अगर इसको इंडिविजुअली डिवाइड किया जाए तो भाई 4-5 महीने के लिए पैसे देते हो एक बार में, तो भाई होता कितना, 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से होता है। अभी कितना ले रहा है जियो, नॉमिनल एक चार्ज ले रहा है ताकि जियो में कोई भी दुविधा ना आए, मतलब कोई गलत संगति में ना जाए, कोई गलत काम ना करे, क्योंकि नेट भरपूर दे रहा है, क्राइम ना करे, रैनसम वेयर इफेक्ट ना फैले उससे, इसीलिए वो 153 रुपीज़ का एक प्लान निकाला है जिसमें जो मैं बता चुका हूँ सब कुछ अनलिमिटेड है। तो आपको देने में क्या जाता है, आप वो प्लान दो और इंटू करो 10 मंथ्स के हिसाब से तो 1530 होते हैं। तो आप ये चीज़ देखो कि 12 महीने के हिसाब से, अगर उस प्लान के हिसाब से जो वेबसाइट में लिखा है कि 12 महीने के बाद मोबाइल रिफंड कर सकते हो आप, 24 महीने के बाद रिफंड कर सकते हो, तो ऐसा है मतलब 3 साल के पहले भी रिफंड कर सकते हो मोबाइल। अब ये नहीं है कि पूरा 3 साल के बाद, पर लेकिन कुछ पैसे कटेंगे। तो बात ये है कि जियो का मोबाइल खराब नहीं है, जियो का मोबाइल बहुत बढ़िया है। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, कि जो जियो है